सीबीआई वाले आते हैं, रेड मारते हैं, यहाँ बंदूक रखते हैं, कहते हैं बता जेल जाना है कि बीजेपी में जाना है। मनीष के यहाँ भी बंदूक रखी, बोले बता जेल जाना है कि बीजेपी। मनीष बोला जेल मंजूर है, बीजेपी में मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हमेशा तो नहीं रहेंगे, कल तो जाएंगे ही जाएंगे, कभी ना कभी तो जाएंगे ही। उस टाइम भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा। कैसे? जितने चोर उचक्के हैं सारे एक ही कमरे में हैं, उनको पकड़ने में बड़ी आसानी होगी, ज्यादा जांच नहीं कर। वो शुभेंदु, ये जितने उदाहरण दे रहे थे शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, यहां बंदूक रखी, उन्होंने चोरी कर रखी थी, घोटाले कर रखे थे। देश के जितने लुच्चे लफंगे लुटेरे डाकू चोर हैं सारे के सारे अब एक ही पार्टी में, बीजेपी। तो और बोले 25-25 करोड़ में हमने दिल्ली के खरीद लिए, अब दिल्ली की सरकार गिरने वाली है। केसीआर साहब का फोन आया उसी दिन शाम को मेरे पास, अरविंद जी मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन है आपकी सरकार गिरने वाली है। मैंने कहा जी चिंता ना करो, ये यूं ही करते हैं, ये 3 साल से यूं ही करते हैं। मैं कह रहा हूं अभी 2025 तो छोड़ो, 2050 का चुनाव भी दिल्ली में नहीं जीत पाओगे, यही हाल है। देखिए केवल क्रिटिसाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिसाइज करना अच्छी बात नहीं है, कुछ ढंग की बात तो करो, कुछ जनता की बात तो करो, कुछ केवल गाली गलौज, ये केजरीवाल ने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, यार जनता के ढंग की बात करो, अच्छी बात करो। केजरीवाल ने 1000 का था, 995 क्यों बनाए, 5 क्यों नहीं बनाए, अरे बना देंगे, बाकी भी बना देंगे, चिंता क्यों करते हो, जब उतने बना दिए ये भी बना देंगे, वहां पे शुगर की दवाई नहीं मिलती दे देंगे, शुगर की दवाई भी दे देंगे, बाकी तो मिलती है, बाकी मिलती है कि नहीं मिलती। आपका मैं पॉलीक्लिनिक मैं उद्घाटन करके आया था, मेरे को याद है, आपको साथ लेके गया था मैं। इन्होंने 2017 में भी कोशिश करी थी, बोले हमारी सरकार गिरा देंगे, तब तक हमें लगता था ये कुछ ज्यादा ही चाणक्य होंगे, अब तो पता चल गया खोखले हैं, इनके पास कुछ नहीं, इनके पास दिखावा ज्यादा है, शोर ज्यादा है, अंदर कुछ नहीं है। तो 2017 में कहते थे 21 एमएलए तो डिस्क्वालीफाई कर देंगे, 21 को डिस्क्वालीफाई कर देंगे, इतनों को तोड़ लेंगे, और फिर सरकार में बहुत दिमाग लगाता थे, और 70 में से 67 हैं हमारे पास, 3 इनके पास है, जब तक 4 रह जाएंगे मेरे पास तब भी मेरी मेजोरिटी है, 3 इनके पास, 4 भी अगर मेरे पास है मेरी मेजोरिटी है, तो ये कैसे सरकार गिराएंगे। मेरी पल्ले के बाहर था, मेरी समझ के बाहर था, लेकिन पत्रकार आते थे कहते थे अमित शाह लगा हुआ है और सरकार गिरा देंगे। 2017 में कोशिश कर ली, उसके बाद 2019 में कोशिश कर ली, 2020 में, अब मत करना यार, इज्जत थोड़ी भी अगर इज्जत बाकी है अब मत करना। अभी मैंने देखा था तेलंगाना के अंदर नवंबर के फर्स्ट वीक में, आप लोगों ने देखा होगा स्टिंग हुआ था वहां पे, भारतीय जनता पार्टी के 3 नेता तेलंगाना की सरकार गिराने के लिए वहां के एमएलए को खरीदने पहुंचे, 3 बीजेपी के नेता बैठे हैं, 4 बीआरएस के एमएलए बैठे हैं, उनके साथ बातचीत हो रही है, 3 घंटे बातचीत चली, सारी रिकॉर्डिंग हो गई। उसमें वो कह रहे हैं कि हमारे बीएल संतोष साहब मिलेंगे तुमसे, अमित शाह जी मिलेंगे तुमसे, और 50-50 करोड़ ऑफर कर रहे हैं, और बोले 25-25 करोड़ में हमने दिल्ली के खरीद लिए, अब दिल्ली की सरकार गिरने वाली है। केसीआर साहब का फोन आया उसी दिन शाम को मेरे पास, अरविंद जी मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन है आपकी सरकार गिरने वाली है। मैंने कहा जी चिंता ना करो, ये यूं ही करते हैं, ये 3 साल से यूं ही करते हैं। तो वैसे रेट हमारे 25 लगा रखे हैं, उनके 50 लगा रखे हैं, ये गलत। अब कोशिश मत करना, इसके बाद थोड़ी सी भी शर्म हया बची है तो अब कोशिश मत करना। ये आम आदमी पार्टी है, हम भगत सिंह के चेले हैं, फांसी पे चढ़ जाते हैं, ऐसे नहीं बिकते, फांसी पे चढ़ना मंजूर है, देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। सबसे पहले तो मैं इनको सबको बधाई देना चाहता हूं, ये एक एक हीरा है हमारा, इनको किसी को कोई दुनिया की ताकत इनको नहीं तोड़ सकती। ये चले थे आज तो चलो ये सरकार गिराने नहीं, 14 के लिए चले थे, 14 भी क्या, एक भी नहीं बिका, एक भी नहीं टूटा, तो डरोगे तो नहीं ना, अगर हुआ तो 7-8 महीने जेल ही जाना पड़ेगा, उससे फालतू तो कुछ नहीं है। मैं बड़े से बड़ा वकील दे दूंगा, चिंता मत करना, और तुम्हारे पीछे से तुम्हारे घर का ख्याल मैं रखूंगा, ठीक है।
अभी मैं देख रहा हूं कुछ दिनों से प्रधानमंत्री जी जगह जगह एक बात बोल रहे हैं, बोले ये ईडी और सीबीआई ने सारे भ्रष्टाचारियों को एक मंच पर इकट्ठा कर दिया। ईडी और सीबीआई ने सारे भ्रष्टाचारियों को एक थोड़ी सी स्टेटमेंट तो सही है, थोड़ी सी गलती है। ईडी और सीबीआई ने इस देश के सारे भ्रष्टाचारियों को एक पार्टी में इकट्ठा कर दिया, मंच पे इकट्ठा नहीं किया, एक पार्टी में, इनकी पार्टी में इकट्ठा कर दिया सारे भ्रष्टाचारियों को। ईडी वाले आते हैं, सीबीआई वाले आते हैं, रेड मारते हैं, यहां बंदूक रखते हैं, कहते हैं बता जेल जाना है कि बीजेपी में जाना है। मनीष की यहां भी बंदूक रखी, बोले बता जेल जाना है कि बीजेपी। मनीष बोला जेल मंजूर है, बीजेपी में मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। सतिंदर जैन के यहां बंदूक रखी, बोला जेल जाना है कि बीजेपी में जाना है, बोला बीजेपी में नहीं जाएंगे मर जाएंगे। हेमंत विश्व शर्मा के यहां बंदूक रखे, बोला बीजेपी मंजूर है, क्यों? उसने चोरी कर रखी थी, इन्होंने चोरी कर नहीं रखी दोनों ने, तो इनको पता है 6-7 महीने रख लेंगे, उसके बाद तो बाहर आना ही है, कुछ करा नहीं है, इससे फालतू क्या है, बेल तो मिलनी है, आज नहीं मिलेगी, कल मिल जाएगी, कल नहीं मिलेगी, परसों मिल जाएगी। नारायण नाराणे के यहां बंदूक रखी, बोला जी बीजेपी में जाएंगे। वो शुभेंदु, ये जितने उदाहरण दे रहे थे, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, यहां बंदूक रखी, उन्होंने चोरी कर रखी थी, घोटाले कर रखे थे। देश के जितने लुच्चे लफंगे लुटेरे डाकू चोर हैं, सारे के सारे अब एक ही पार्टी में, बीजेपी में। तो समय एक जैसा नहीं रहता, समय बदलता है। आज इनकी सरकार है, आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हमेशा तो नहीं रहेंगे, कल तो जाएंगे ही जाएंगे, कभी ना कभी तो जाएंगे ही। उस टाइम भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा। कैसे? जितने चोर उचक्के हैं सारे एक ही कमरे में हैं, उनको पकड़ने में बड़ी आसानी होगी, ज्यादा जांच नहीं कर। सारों को ईडी सीबीआई दिखा के सारे देश के लुटेरों को इन्होंने अपनी पार्टी में इकट्ठा कर लिया। जिस दिन इनकी सरकार जाएगी और मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, बीजेपी वालों को जेल में डाल दो, देश भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी को भगवान ने बहुत बड़ा मौका दिया था, इस देश की जनता ने बहुत बड़ा, इतना भारी मैंडेट दिया था। वो चाहते तो इस देश की सूरत बदल सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, वो चाहते तो इस देश को कहीं ना कहां, कहीं का कहीं ले जा सकते थे। क्या किया उन्होंने? देश में लूट मार, नफरत, लड़ाई झगड़ा, आज हर आदमी डरा हुआ है देश के अंदर। सबको साथ लेके चलते हैं, जैसे हम सबको साथ लेके चल रहे हैं, हम इनको भी साथ लेके चलते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, हम लोग सबको साथ लेके चलते हैं। मनीष सिसोदिया ने इतने अच्छे स्कूल बना दिए, प्रधानमंत्री जी मनीष जी को बुला के कहते मैं तेरे को देश का शिक्षा मंत्री बना रहा हूं, मनीष सिसोदिया जा 10 लाख स्कूल ठीक कर दे देश के, तब बड़ी बात होती है। उनको इतना बड़ा मौका दिया देश के लोगों ने कि कुछ का कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सारा मौका, आज सारे डरे हुए। कल एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट आया था मेरे से मिलने के लिए, बोला जी एक एक करके सब लोग इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, सब इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, विदेशों की सिटीजनशिप ले रहे हैं, क्यों, क्या जरूरत पड़ गई? बोले कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी इनकम टैक्स, कभी फलाना, कभी ढिमकाया, ऐसा डरा रखा है सब लोगों को, इन्होंने डरा रखा है, किसी को काम नहीं करने देते, ना खुद काम करते, ना किसी को काम करने देते, किसी को जीने नहीं देते, सब लोगों को डरा के रखते हैं। ये भी डरे पड़े हैं, ऐसा नहीं कि ये दो को छोड़ के बाकी सारी बीजेपी भी डरी पड़ी है, बाकी सबका इनका भी यही हाल है। मीडिया को डरा रखा है, मीडिया वाले जब उलट सुलट गंदी खबरें, गलत खबरें दिखाते हैं, कई लोग गालियां देते हैं मीडिया को, मीडिया ऐसे क्यों है, मीडिया बिका हुआ है, गोदी मीडिया है, फलाना मीडिया। मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, एक एक मीडिया हाउस के मालिक के ऊपर 4-4 ईडी के केसेस बना रखे हैं इन्होंने। आप भी उनकी जगह होते, आप भी यही करते। मजबूरी है उनकी, जिस दिन ये पता चल गया ना मोदी जा रहा है, ये देखना ये मीडिया खा जाएगा इनको, पकड़ पकड़। अभी मजबूरी है सबकी, सबकी मजबूरी है मीडिया वालों के, एक एक मीडिया हाउस के मालिक के ऊपर इन्होंने चार चार, जब मर्जी जेल में डाल दें इसको, जब मर्जी जेल में डाल दें इसको। सबको डरा रखा है इन्होंने, जजों को डरा रखा है इन्होंने, देश के सारे जज डरे पड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज डरे पड़े हैं, हाई कोर्ट के जज डरे पड़े हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज डरे पड़े हैं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।